विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर फॉलो द इस्लामिक लॉ? तो कौन से सूफी ऑर्डर है जो इस्लामिक लॉ फॉलो करते हैं? दैट इज शरिया। सो फर्स्ट इज चिश्ती, सेकेंड इज कदरी, थर्ड इज कलंदर, फोर्थ इज नक्शबंदी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें ये बात करना है कि इस पे से सही कौन है, गलत कौन है। तो अगर कलंदर की बात करें तो चिश्ती, कादिर और नक्शबंदी से ये अलग है। ये कलंदर शरिया लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अगर थ्री को हटा दिया जाए, थ्री थ्री, तो ऑप्शन बच रहा 1 4 1 2 4। तो इसका आंसर हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया के बुक में कौन सा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट सूफी ऑर्डर इन इंडिया। तो जो सूफी ऑर्डर होते हैं उसे सिलसिला कहा गया है। सिलसिला जो सूफी का ऑर्डर रहता है उन्हें सिलसिला भी कहा जाता है। और एन ए अकबरी ये जो बुक है इस पे मेंशन किया है ऐसे 12 सिलसिला, और जिसे डिवाइड किया गया है दो टाइप में, एक बेसारा और एक बासारा। तो ये दो टाइप्स के जो सिलसिलाज है, ये दो टाइप में सिलसिलाज को डिवाइड किया गया है एन ए अकबरी में। और जो बसारा सूफीज होते हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इस्लाम, डेट इज लॉ ऑफ शरिया को फॉलो करते हैं। और सिलसिला का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, फाउंडेड बाय वन सेंट। अगर एक सेंट के द्वारा अगर कुछ फाउंड कर दिया गया सिलसिला तो वो कंटिन्यू चलते रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। उनके फॉलोअर्स उन्हें फिर उनकी जो सिलसिला है उन्हें फॉलो करते हैं। और ऐसे 12 सिलसिलाज हैं। कौन कौन से सिलसिलाज हैं? चिश्ती, सुरवर्दी, फिदौसी, कदरिया, नक्शबंदी। तो हमने देखा चिश्ती, कदरिया, नक्शबंदी वहाँ ऑप्शन में थे। और अगर बेसहारा की बात करें, ये जो दूसरी टाइप्स की, जो सेकेंड टाइप है सिलसिलास की, तो ये बिलीव नहीं करते शरिया लॉ पे। और इसे मस्त कलंदर, जैसा कि कलंदर नाम हमने देखा, या मलंग्स या हैदरीज कहते हैं। और ये कौन होते हैं? बेसारा, वंडरिंग सेंट, वेयर कॉमनली नॉन एज बाबा, जो बाबा जो घूमते रहते हैं सब जगह, हर घर पे जाते रहते हैं साईं बाबा की तरह। तो ये है वो। सो दे हार्डली लेफ्ट एनी रिटन अकाउंट, यूजली दे फॉलो हार्श फॉर्म ऑफ एसिटिज एंड डिफाई इग्नोर द रिचुअल्स। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट सूफी ऑर्डर इन इंडिया। ये पहला क्वेश्चन था हमारा।